दैनिक भास्कर समर कैंप के अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों को यहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। डांस और पेंटिंग जैसी विधाओं में भाग ले रहे प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष के सातवें दिन रविवार को गंगा सप्तमी का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन अर्चन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी मेडिकल के पास स्थित वृद्धाश्रम का दौरा करने पहुंचे। कलेक्टर ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। विश्व रेडक्रॉस और थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से कलेक्टर कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता दर्ज कराई और रक्तदान महादान के संकल्प के साथ रक्तदान किया। शिविर में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी भी पहुंचे और उन्होंने भी रक्तदान कर लोगों को इस कार्य में शामिल होने का संदेश दिया। भीषण गर्मी के इस मौसम में शहरी क्षेत्र में पेयजल के संकट को दूर करने नगर निगम द्वारा पेयजल सप्लाई के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में रामपुर छापर की पानी की टंकी से भी नगर निगम के द्वारा पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। कटंगा से रामपुर के बीच लगे विद्युत ट्रांसफार्मर खतरे का सबब बनकर सामने आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स के खुले हुए ढक्कन, इनमें उलझी बिजली की तारें किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जबलपुर के ऐतिहासिक स्थलों में शुमार घंटाघर की घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। शासन प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत घंटाघर के जीर्णोद्धार का कार्य तो करा दिया गया, लेकिन इसकी घड़ियों के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जबलपुर में सब्जी के बाद अब फलों के दाम भी आसमान छूने लगे। ऐसे में लोग अब फलों से भी वंचित हो रहे हैं। भीषण महंगाई में फलों के बढ़ते दामों के कारण फल भी अब आम आदमी की पहुँच से दूर होता नजर आ रहा है। प्रदेश में एक बार फिर दिन का पारा लोगों का हाल बेहाल कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन के समय लू के प्रकोप और तीखी धूप के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार, और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। दैनिक भास्कर समर कैंप के अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों को मिल रहा अपने हुनर को निखारने का मौका। कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में हर दिन कुछ नया सीख रहे प्रतिभागी। गंगा सप्तमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। मां नर्मदा के तटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजन और दान कर श्रद्धालुओं ने लिया धर्म लाभ। और विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने किया वृद्धाश्रम का दौरा। वृद्धजनों से मुलाकात करने पहुंचे कलेक्टर से 72 वर्षीय वृद्ध महिला ने इंग्लिश में की लंबी बातचीत। कलेक्टर को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए वृद्धजन। दैनिक भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों को यहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। डांस और पेंटिंग जैसी विधाओं में भाग ले रहे प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप प्रतिभागियों के लिए रोमांच से भरा साबित हो रहा है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रतिभागी भास्कर समर कैंप की अलग अलग क्लासेस में अपनी प्रतिभा को निखारने में जुटे हुए हैं। वेस्टर्न डांस और पेंटिंग की क्लासेस में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। डांस क्लास में प्रतिभागी जहाँ रोज नए स्टेप्स और डांस की बारीकियों को सीख कर अपनी इस प्रतिभा को निखार रहे हैं, तो वहीं अन्य क्लासों में उन्हें एंजॉय करने का अवसर भी मिल रहा है। हम दैनिक भास्कर के समर कैंप में आए हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। हम ड्राइंग सीख रहे हैं और सर भी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं दैनिक भास्कर समर कैंप में आई हूँ। मैं डांस सीख रही हूँ। सर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे डांस सिखाते हैं। इसी तरह पेंटिंग की क्लास में भी प्रतिभागियों को हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिल रहा है। कुशल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में प्रतिभागी पेंटिंग और ड्राइंग की हर बारीकी की जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्हें भास्कर समर कैंप के माध्यम से अपनी इस प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है। सर दैनिक भास्कर में आए हैं समर कैंप में। हमें पेंटिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है। सर अभी हम शेप्स बना रहे हैं।
आज हमने बच्चों को थोड़ा कल ज्योमेट्री वो बताया था, ज्योमेट्रिकल शेप, और आज उनमें पेंसिल सेटिंग के बारे में हम बतला रहे हैं बच्चों को कि पेंसिल का उपयोग हम कैसे करते हैं, और जिससे हम जो लाइट और डार्क का उपयोग करेंगे फिर वो कलर में भी हमका उसी का उपयोग रहता है, तो इसी आधार पे हम आगे का काम कराएंगे। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंभर भवन सिविक सेंटर में प्रतिदिन भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस का क्रम जारी है। इन क्लासेस में प्रशिक्षणार्थी उत्सुक नजर आ रहे हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष के सातवें दिन रविवार को गंगा सप्तमी का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन अर्चन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने ग्वारीघाट पहुंचकर स्नान दान और पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वैशाख महीने के सातवें दिन रविवार को मां गंगा का प्राकट्य उत्सव गंगा सप्तमी के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा सहित पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। गंगा सप्तमी के अवसर पर मां नर्मदा के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान किया और पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शास्त्रों और आचार्यों के मुताबिक गंगा सप्तमी पर स्नान, व्रत और दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। गंगा माँ मोक्षदायिनी है। इस दिन देश की पवित्र नदियों में स्नान करने से इसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से मंगल ग्रह की अशांत अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति प्राप्त होती है। आज जो लोग माँ गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, माँ नर्मदा जी में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी गंगा सप्तमी के दिन स्नान कर रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। गंगा सप्तमी पर पवित्र नदियों में तीर्थ स्नान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं में इस पर्व के प्रति काफी आस्था भी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी मेडिकल के पास स्थित वृद्ध आश्रम का दौरा करने पहुंचे। कलेक्टर ने वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्ग जनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान वृद्ध आश्रम में रह रही 72 वर्षीय वृद्ध महिला ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से इंग्लिश में लंबी बातचीत की और उनका स्वागत भी किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मेडिकल के समीप स्थित वृद्ध आश्रम का निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से मिलने पहुंचे और वृद्ध जनों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान वृद्ध आश्रम में रह रही 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रलोचन कौर ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से इंग्लिश में लंबी बातचीत की और कहा कि वो यहाँ बहुत खुश है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के दिनों में यहां रहने वाले वृद्धजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख्याल रखा जाए। आप कहां से आए? तो आपका यहां कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या? आपको कुछ सुझाव और हम लोग बेहतर कैसे कर सकते हैं? नहीं, कोई समस्या है आपका? हाँ, नहीं समस्या नहीं है। और कोई सुझाव कुछ चाहते हैं आप? नहीं, सब तो यहाँ मिलता है। न्यू बिल्डिंग तो सब वहाँ पे है, भाषण है बड़ी। रेड क्रॉस बिल्डिंग में आज ना ब्लड डोनेशन की कैंप भी हुआ है, काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया है। उसके साथ साथ है ना वृद्धाश्रम में हेल्थ शिविर भी है ना लगाया गया है। अभी हम लोगों ने एक बार इंस्पेक्शन भी किए हैं, सभी है ना सीनियर सिटीजन से इंट्रैक्शन भी किए हैं और इस वृद्धाश्रम को कैसे बेहतर कराया सकता है उस कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि सभी लोग आके इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एक दिन का है ना खाने के लिए 5,000 के आसपास हैं, सो दैट आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो रिमेनिंग कितने भी गवर्नमेंट से हमको मिल रही है उससे और बेहतर है ना व्यवस्था बनाने में हम लोग कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारा सुझाव भी मिले हैं, इस सुझाव को भी हम लोग अमल करेंगे। कलेक्टर के आश्रम दौरे से बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह नजर आया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को अपने बीच पाकर बुजुर्गों की आंखें भी भर आई। बुजुर्गों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को आशीर्वाद भी दिया।
विश्व रेडक्रॉस और थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से कलेक्ट्रेट कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता दर्ज कराई और रक्तदान महादान के संकल्प के साथ रक्त का दान किया। शिविर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी भी पहुंचे और उन्होंने भी रक्तदान कर लोगों को इस कार्य में शामिल होने का संदेश दिया। विश्व रेडक्रॉस और थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर रविवार को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए रक्त की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता दर्ज कराई और इस पुण्य कार्य के भागी बने। रक्तदान शिविर में जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों और ब्लड बैंक की टीम ने योगदान दिया। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है, जिसके उपलक्ष में आज रेडक्रॉस भवन में हमारे अध्यक्ष कलेक्टर इलिया राजा, उपाध्यक्ष सौरभ बड़ेरिया, डॉक्टर जितेंद्र जामदार, हम सभी ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वह भी ब्लड डोनेट कर लोगों की जान बचाएं। जिनको ब्लड की आवश्यकता रहती है उनके लिए हम तन मन धन से हमेशा समर्पित रहते हैं और रेडक्रॉस सोसाइटी सभी के लिए हमेशा समर्पित भाव से कार्य कर रही है और करती रहेगी। यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में रक्तदानों द्वारा आज ये कैंप चल रहा है वर्तमान में, और मेरे को लगता है आज दिन भर ये कैंप चलेगा और जो भी ये रक्त कलेक्ट किया जाएगा वो विशेष रूप से थैलेसीमिया पेशेंट के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। सरकारी टीम के द्वारा, विक्टोरिया की टीम द्वारा यहाँ रक्त संग्रह किया जा रहा है और यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आज रक्तदान किया है यहाँ पर, और अन्य मेंबर्स ने भी यहाँ रक्तदान किया है और स्टूडेंट भी कर रहे हैं। इस आवश्यकता को देखते हुए रक्त की कमी ना हो ये शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी भी सहभागी बने और उन्होंने भी थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए रक्तदान देकर आम जनता से रक्तदान करने की अपील की। भीषण गर्मी के इस मौसम में शहरी क्षेत्र में पेयजल के संकट को दूर करने नगर निगम द्वारा पेयजल सप्लाई के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में रामपुर छापर की पानी की टंकी से भी नगर निगम के द्वारा पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। जिन इलाकों में पेयजल संकट ज्यादा है वहां टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। मई की भीषण गर्मी में शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने का नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि पानी की टंकियों से पेयजल सप्लाई के अलावा टैंकरों से भी शहरी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जा रही है। हाल ही में रामपुर छापर में स्थित पानी की टंकी से भी सप्लाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। हाल ही में हमने टंकी रामपुर छापर में चालू कर दी गई है। इसके अलावा हमने अल्टरनेट टैंकर की व्यवस्था भी की है और जहां पर भी समस्या आ रही है तुरंत उसको टैंकर से हम पानी उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारी तरफ से कहीं भी ऐसा नहीं है कि यदि कहीं समस्या आ रही है और हम पानी उपलब्ध न करें। हाँ, कुछ जगहों में जहाँ हमारा पानी की टंकी के माध्यम से सप्लाई नहीं हो पा रही है वहाँ ज़रूर नहीं पहुँच पा रहा पानी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टंकी का भराव कर सकें और सभी को पानी की आपूर्ति करवा सकें। शहर के जिन इलाकों में पेयजल संकट गहराया हुआ है उन इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। कटंगा से रामपुर के बीच लगे विद्युत ट्रांसफार्मर खतरे का सबब बनकर सामने आ रहे हैं। ट्रांसफार्मरों के खुले हुए ढक्कन, इनमें उलझी बिजली की तारें किसी भी दिन बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली के ट्रांसफार्मरों में लोड बढ़ जाता है। ऐसे में आए दिन ट्रांसफार्मरों से चिंगारियां निकलने और उसमें आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ट्रांसफार्मरों के रखरखाव की ओर जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में ये ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहे हैं। कटंगा चौक से रामपुर जाने वाले मार्ग पर लगे ट्रांसफार्मर भी विभागीय अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हैं। ट्रांसफार्मरों के खुले ढक्कन और उलझी हुई बिजली की लाइनें किसी भी दिन बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, लेकिन बिजली विभाग को इससे भी कोई सरोकार नहीं है कि कटंगा से लेकर के रामपुर तक जो दोनों साइडों में ट्रांसफार्मर के जो डब्बे लगाए गए हैं जिसको डीपी भी कहा जाता है, उनके दोनों के ढक्कन खुले हुए हैं और तार लटके हुए हैं और यहाँ से डेली एमपीपी के बड़े अधिकारियों का आना जाना है।
इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं यहाँ से डेली में भी निकलता हूँ तो मेरा ध्यान गया इस पर, तो मैं एमपीपी के अधिकारियों से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि डीपी के जो डब्बे खुले हुए हैं उन पर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो, जिससे हादसा होने के बाद यदि एमपीपी जीता तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। रात का समय रहता है, लोगों का यातायात वहाँ पर बराबर चलता रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि नगर आपके जो एमपीपी के बड़े अधिकारी हैं वो डीपी में जो तार झूल रही हैं उन तारों को दुरुस्त करवाएं और डब्बे की व्यवस्था करवाएं। चौक चौराहों, सड़कों और कॉलोनियों में लगे ट्रांसफार्मरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के खुले ढक्कन ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में इनके मेंटेनेंस और सुधार पर विभाग को ध्यान देने की महती आवश्यकता है। जबलपुर के ऐतिहासिक स्थलों में शुमार घंटा घर की घड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। शासन प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत घंटाघर के जीर्णोद्धार का कार्य तो करा दिया गया, लेकिन इसकी घड़ियों के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, लिहाजा स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घंटाघर की घड़ियों का सुधार कार्य कराए जाने की मांग की है। शहर के ऐतिहासिक स्थलों में घंटाघर का नाम शुमार है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम ने घंटाघर की इस ऐतिहासिक मंजिल को संवारने के लिए घंटाघर का जीर्णोद्धार का कार्य भी कराया, लेकिन अब भी समय बताने वाली घंटाघर की घड़ियों की सुइयां न जाने कब से बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में शहरवासी भी शहर की शान माने जाने वाले इस ऐतिहासिक स्थल पर लगी घड़ियों के सुधार करने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। कई वर्षों पुराना इसका स्थापना की गई थी, जो कि मतलब शहर की ऐतिहासिक घंटाघर कहलाया जाता है, और इसको मतलब ऐसा चौराहा है ये ओमती थाने के सामने, जो बाहर से जितने भी लोग आते हैं शहर की घूमने के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से, तो घंटाघर को याद किया जाता है और इसका किताबों में और सांस्कृतिकों में इसका उल्लेख किया गया है। आज की इसमें भी साफ सफाई है, मगर ये है कि इसका समय का देखते हुए इसमें घंटाघर की जो घंटियाँ बस्ती थी वो आजकल बंद है, और समय को भी मतलब ध्यान नहीं दे पा रही है नगर निगम, जिसके भी इसमें आता है तो उसको मतलब देख रेख किया जाए, और समय का उसमें बंद डली हुई है काफ़ी दिन से देख रहे हैं, उसमें मतलब इसको सुधार किया जाए, इसमें ये हमारा इसमें मतलब सहयोग है। सुबह का टाइम 9:01 बज रहा है, घड़ियाँ पूरी बंद है, उसको मतलब प्रशासन द्वारा उसको मतलब सही की जाए और देख रेख की जाए, जिससे हमारी धरोहर की शान बने रहे, जबलपुर की शान बने रहे, ये हमारा कहना है। घंटाघर की घड़ियों में सुधार हो जाने से इस ऐतिहासिक मंजिल का महत्व और बढ़ जाएगा। जबलपुर में सब्जी के बाद अब फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोग अब फलों से भी वंचित हो रहे हैं। भीषण महंगाई में फलों के बढ़ते दामों के कारण फल भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। सब्जियों के बाद अब फलों पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी है। फलों के बढ़ते दाम के कारण लोग अब फलों से भी वंचित हो रहे हैं। फल आम आदमी की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। थोक मंडी से लेकर फुटकर मंडी तक फलों के दामों में आग लगी हुई है। आम, अंगूर और सभी तरह के मौसमी फलों के दाम 70 से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में फलों की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आम बहुत महंगा है, सब पूरे फल महंगे हैं, जो गर्मी में फल आते हैं वो सब महंगे, अब क्या खाएं और क्या कुछ करें, बहुत तेज आसमान छू रहा है रेट, कम होना चाहिए इन सबको। सब फलों का रेट बहुत ही तेज है, स्थिति ये है, सब रेट इतना तेज है, अगर किसी गरीब के अगर कोई बीमार पड़ जाता है अगर मान लो, तो उसको फल खरीदने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि आज आम है 140 रुपए किलो है, जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा अनार लिखता है वो आज 160 रुपए किलो अनार है, अंगूर जैसी चीज़ 100 रुपए किलो है, यानी अन्यथा कोई भी फल 50 रुपए किलो से कम कोई फल है ही नहीं है। इस महंगाई के समय में गरीब आदमी क्या कमाए और क्या खाए, क्या मांग करते हैं सरकार से निवेदन है, कुछ महंगाई में कमी आना चाहिए, बहुत ज्यादा रेट हर चीज का है, किराने से लेके फलों से लेके सब्जी भाजी से लेके हर चीज आसमान छू रही है। मंडी में फलों के दामों में उतार चढ़ाव तो जारी है, लेकिन बावजूद इसके फलों के भाव आसमान पर हैं। ऐसे में लोग फलों से भी दूरियां बना रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर दिन का पारा लोगों का हाल बेहाल कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दिन के समय लू के प्रकोप और तीखी धूप के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। दिन के समय धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मई माह की भीषण गर्मी ने प्रदेश भर में लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में दिन का पारा 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले दिनों में पारे के और बढ़ने की संभावना है। दिन के वक्त तीखी धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भीषण गर्मी, तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मई का महीना है, 8 तारीख है, बहुत तेज धूप है, गर्मी भी बहुत तेज, और आने वाला महीना पता नहीं कितना तेज गर्मी का होगा। और अभी तो बहुत गर्मी है भैया, बहुत तेज धूप भी बहुत तेज पड़ रही, काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, धूप का पावर बहुत तेज, गर्मी बहुत है भैया। सीजन मतलब 48 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, अभी तो ये स्टार्टिंग है मई का, जून एंड तक पता नहीं क्या ही होगा। मतलब बिना गमछे और बिना मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अपन तो रह ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अभी तो घर में काम भी लगा हुआ तो बहुत ज़्यादा हीटेड है, बहुत टेम्परेचर, मतलब निकलना मार्केट जाना तो मुश्किल हो रहा है यहाँ से। अभी तो भैया स्टार्टिंग है और देखिए आगे, अब जब जून का हाफ आएगा, नौतपा वगैरह लगेगा, तब तो और ज़्यादा हालत खराब होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम के शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।